दसो जी कुड़ी नू कित्थे ले जा रहे हो? अरे सरदार जी, दोस्त है मेरी, तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा हूँ। ओ ऐस तरह कौन दोस्त को हॉस्पिटल ले जांदा है जी? सच सच दस की किता तू कुड़ी दे नाल? जो किया है इसने किया है सरदार जी, लंबी कहानी है, क्या क्या सुनाऊं। अभी के लिए आप बस मेरी इतनी बात जान लीजिए कि ये होश में नहीं है और इसे टैक्सी से नहीं जाना है। नहीं पापा जी, ए मुंडा झूठ दसता है। ए मैनू किडनैप करके ले जांदा है। मैनू बचा लियो पापा जी, मैनू बचा। क्या जरूरत थी तुझे हीरो बनने की? ये सब करने भेजा था वहाँ? बोला था लड़कियों से दूर रहना, अब समझ आया क्यों बोला था? समझ गया अम्मा, माफ कर दे, आज से इस लड़की से यहीं से टाटा बाय बाय। ओए मुंडिया, ओ एकुड़ी की कहंदी सी ओए? मैनू सच सच दस वरना चल थाने। अरे मैं सच कह रहा हूँ सरदार जी, अरे तू नौटंकी बंद कर दे मेरी माँ। माँ किसको बोला बे? अरे झांसी की रानी, बात को समझ, तुझे क्या रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी है क्या? नहीं, नहीं। पापा जी, ए मुंडा सच कहंदा सी, मैनू थोड़ी सी चढ़ गई सी, इसी वास्ते मैं इसके कंधे ऊपर चढ़ गई सी। ए मुंडा दा कोई दोष नहीं सी, ए मुंडा बहुत बोला भाला सी, एकदम उल्लू की तरह। मैनू तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वेखो, तुम दोनों इन्नी रात गए ए सुनसान ते ना घूमो, मॉल बहुत खराब है। सरदार जी, किस चक्कर में उलझ गए हो तुम? तेरी तो लग गई ध्रुवन बेटा, मर गया तू, इस बार फुल एंड फाइनल। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि बीच में कोई और सवारी नहीं लेने दूंगी मैं, और आप श्रिया। ये आवाज तो अपनी वार्डन बसंती की लग रही है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हो, जब तक है जा, जाने जहां, मैं नाचूंगी। चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। मैडम, मैं आपको समझाता हूँ सब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और हुआ यूं कि। नहीं मैडम, श्रिया तो एकदम ठीक है, ये मुझे किडनैप करके हॉस्टल में ही ले जा रहा था, अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये तबीयत खराब है इसकी, जितना मैं श्रिया को जानती हूँ, श्रिया को नशा करने जैसी कोई बुरी आदतें नहीं है। और तुम वही हो ना तुम जो दो दिन पहले हॉस्टल में आए थे? यानी उस दिन भी तुमने अंदर आने का झूठा बहाना बनाया था और आज इसे शराब पिलाकर इसका फायदा उठाना चाहते हो? जी मैडम, नहीं मैडम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आज ये सब फ्रेशर्स पार्टी में गलत फहमी के कारण हुआ। क्या बक रहे हो तुम? ये क्या बोल दिया ध्रुवन, आप तो दोनों की शामत आई ही आई। मैडम, ये ना आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ, ये ना थोड़ा बोंदू टाइप का लड़का है, पर है क्यूट, है ना? देखिए इसको, इसको देखकर आपको भी इसको किस करने का मन नहीं करता, जैसे किसी गोलू मोलू बच्चे को गोदी में लेकर खूब सारा लाड़ करने का मन करता है, वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है। पर दिक्कत एक ही है मैडम, इसको ना हम गोद में नहीं उठा सकते। बकवास बंद करो तुम, अब तुम दोनों का फैसला प्रिंसिपल ऑफिस में ही होगा। श्रिया, तुम जाओ अपने कमरे में, अपने हॉस्टल में जाओ। मैडम, मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में ले जा सकती हूँ? शराब,
दफा हो जाओ यहाँ से और कल सुबह क्लास शुरू होने से पहले मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलो। मैडम प्लीज सुनिए तो। गया बेटा ध्रुवन, तू तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बारह आना। ध्रुवन की मुसीबतों का स्टॉक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कैसे सामना करेगा ध्रुवन अब प्रिंसिपल का? क्या खत्म हो जाएगा ध्रुवन का आईआईटी का सफर यहीं पर? क्या होगा आगे आईआईटी डायरीज के पन्नों में? पढ़ते रहिए।